Hello students, a very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Today I am going to explain class 11th chemistry chapter number 6 thermodynamic, and today topic is heat. We can also change the internal energy of a system by transfer of heat from the surrounding to the system or vice versa. बेटे इसके अंदर ये बताया गया है कि जब भी कोई सिस्टम इनिशियल से फाइनल स्टेज के अंदर होता है तो इनिशियल स्टेज के अंदर जो एनर्जी है वो डिफरेंट होती है, और जब फाइनल स्टेज के अंदर जाते हैं तब जो एनर्जी है, जो हीट है, वो चेंज होती है. इनके बीच में जो डिफ्रेंसिएशन है उसे हम चेंज ऑफ हीट एनर्जी कहते हैं. नाउ वी टेक, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल जो है वो ले रहे हैं कि जो वाटर है उसका टेम्परेचर हमने टी ए लिया है, ओके. और इसके बाद में ये कब का है, जब वो इनिशियल स्टेट में है. जब हम किसी भी केमिकल इक्वेशन के लास्ट में फाइनल स्टेट के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है उसको हम लोगों ने लिया है टी बी. द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम क्यू कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस टी बी माइनस टी ए. इन दिस केस चेंज इन द इंटरनल एनर्जी डेल यू, तो जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है उसे हम डेल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. वैन नो वर्क इज डन एट अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, द क्यू इज पॉजिटिव वैन हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टम. यदि सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर हीट का ट्रांसफर हो रहा है तो जो क्यू की वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी, और क्यू इज नेगेटिव वैन हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग. और जब सिस्टम से सराउंडिंग के अंदर हीट का चेंजेस हो रहा है तो जो वैल्यू है क्यू की, जो वैल्यू है वो नेगेटिव होगी. नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स. लेट अस कंसिडर द जनरल केस इन विच अ केस ऑफ द स्टेट इज ब्रॉट अबाउट द बोथ बाय डूइंग वर्क एंड बाय ट्रांसफर ऑफ हीट. वी राइट चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर दिस केस इज डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. For a given change in state Q and W can be depending on how the change is carried out. यहाँ पर Q और जो W की वैल्यू है वो डिपेंड करती है कि ये इनिशियल से फाइनल स्टेट के अंदर जो चेंज हुआ है वो चेंजेस किस तरीके से हुए हैं. It will be independent of the way of the change is carried out. If there is no transfer of energy as heat, as work, W इज इक्वल टू जीरो एंड Q इज इक्वल टू जीरो. यदि हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें, एंड द मीन्स ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम आई वर ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक. सो इन द फॉर द आइसोलेटेड सिस्टम द वैल्यू ऑफ W इज जीरो एंड द वैल्यू ऑफ Q इज जीरो, सो डेल U इज ऑल्सो बी जीरो. नाउ द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कॉन्स्टेंट. यहाँ पर बताया गया है कि जो एनर्जी है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए उसका मान कॉन्स्टेंट ही होता है. इट इज़ कॉमनली स्टेट एज अ लॉ ऑफ द कन्वर्शन ऑफ द एनर्जी. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एंड वी नो वेरी वेल द कन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ के बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं. क्लास 9 के अंदर हम लोग स्टडी करके आए हैं कि किसी भी सिस्टम के अंदर एनर्जी को न तो प्रोड्यूस किया जा सकता है न ही उसको डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है, केवल उसका एक रूप से दूसरे रूप के अंदर चेंजेस ही होता है. एग्जाम्पल एक्सप्रेस द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम व्हेन नो हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग बट वर्क W इज डन ऑन द सिस्टम. व्हाट टाइप ऑफ वॉल डज द सिस्टम हैव. नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बट क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम एंड द गिवन टू द सराउंडिंग. देन व्हाट टाइप ऑफ दिस वॉल. सो यहाँ पर ये बताया गया है कि यदि सिस्टम अलग अलग हैं तो जो वैल्यू है, जो वॉल्स हैं वो भी डिफरेंट होंगी. नाउ आंसर है हमारे पास में जो 3 क्वेश्चंस हमारे पास प्रीवियसली थे. द आंसर इज फर्स्ट डेल यू इज इक्वल टू डब्ल्यू ए डी, वॉल इज द एडियाबेटिक, एंड द डेल यू इज इक्वल टू माइनस क्यू, थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स, थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स, एंड द डेल यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू इज अ क्लोज सिस्टम. तो ये क्लोज सिस्टम, एडियाबेटिक सिस्टम, इन सब के बारे में हमें डिटेल में स्टडी करना होगा, जो कि आपको पार्ट 1 के अंदर एक्सप्लेन किया गया है. नाउ द एप्लीकेशंस वर्क प्रेशर वॉल्यूम वर्क. फॉर अंडरस्टैंडिंग प्रेशर वॉल्यूम वर्क लेट अस कंसीडर अ सिलेंडर विच कंटेन्स वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस फिटेड विद अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन. टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस इज द प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड पी
If external pressure is PEX, which is greater than P, piston is moved inward till the pressure inside becomes equal to PEX. Let this change be achieved in a single step and the final volume will be VF. So, यहाँ पर work pressure और volume work के बारे में हमें बताया गया है कि यदि हमें इसे समझना है तो हम एक सिलेंडर के ऊपर इसकी स्टडी करेंगे जिसके अंदर की आइडल गैस जो है वो फिल की गई है एंड यहाँ पर जो फ्रिक्शन अप्लाई हम करते हैं वो फ्रिक्शनल लेस पिस्टन होता है. तो हमने बताया है कि इस कंडीशन में जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसकी वैल्यू क्या होगी, PEX होगी. ओके, नाउ ड्यूरिंग द कंपैरिजन सपोज मूविंग अ डिस्टेंस फर्स्ट एंड इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पिस्टन इज ए, देन द वॉल्यूम चेंज इज एल इज मल्टीप्लाई बाय ए. सो द वैल्यू इज डेल वी. डेल वी, सो डेल वी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई. यहाँ पे वी नो दैट द प्रेशर इज द फोर्स अपॉन एरिया, इसी को हम लोग अप्लाई करेंगे. सो देयर फॉर फोर्स ऑन द पिस्टन इज इक्वल टू पी ई एक्स मल्टीप्लाई बाई ए. इफ डब्ल्यू इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द मूवमेंट ऑफ द पिस्टन, देन डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स एंड एक्स डिस्प्लेसमेंट पी ई एक्स एक्स ए एल. सो दिस, ये जो ग्राफ हमें यहाँ पे शो किया गया है उससे हम इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं. नाउ द नेगेटिव साइन ऑफ द एक्सप्रेशन इज रिक्वायर्ड टू ओबटेन अ कन्वेंशनल साइन फॉर डब्ल्यू विच विल बी पॉजिटिव. It indicates that in case of the compression, work is done on the system. Here Vf minus Vi will be negative and negative multiplied by a negative will be positive. यदि negative negative को आपस के अंदर multiply करते हैं तो positive sign आता है, ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है. Now hence the sign obtained for the work will be positive. तो जो भी कार्य किया जाएगा वो positive में होगा. If the pressure is not constant at every state of the compression, but change is number of the finite steps work done on the gas will be summed over all the steps and will be equal to sigma del P V. इफ़ द प्रेशर इज नॉट कॉन्स्टेंट, ये हमने तब की बात करी जब प्रेशर हमारा कॉन्स्टेंट था, और यदि प्रेशर कॉन्स्टेंट नहीं होता है बट चेंजेस ड्यूरिंग द प्रोसेस सच आर इट इज़ ऑलवेज इनफाइनेटली ग्रेटर दैन द प्रेशर ऑफ द गैस, दैन एट ईच स्टेज ऑफ द कंपैरिजन द वॉल्यूम डिक्रीज बाय द इनफाइनिटेसिमल अमाउंट. नाउ डी वी इज सच अ केस वी कैन calculate the work done on the gas by a relation as given in the next slide. Now in this graph we are in this slide we are showing ki PEX at each state is equal. Jo PEX ki jo value hai wo har stage ke andar equal hi hoti hai in case of the compression in and the expansion process under a similar conditions. The external pressure is always less than the pressure of the system. PEX is equal to PIN minus DP is general case. We can write PEX plus DP. Such process are called the reversible process. तो ये इस तरह का जो process होता है उसे हम reversible process के नाम से जानते हैं. A process or change is said to be reversible if a change is brought out in a such a way that the process could at any moment be revised by an infinitesimal changes. Reversible process proceeds slowly by a series of the equilibrium states such that the system and the surrounding are always in near equilibrium with each other. So यहाँ बताया गया है कि जो यदि हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो उसके अंदर जो सिस्टम और सराउंडिंग है वो दोनों ही एक मेन स्टेज के अंदर होते हैं, एक स्लोली स्टेज के अंदर होते हैं, और वहाँ पर जो प्रोसेस जो कंटिन्यू होता है वो इनवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होता है. नाउ द नेक्स्ट इज द फ्री एक्सपेंशन. एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इन वैक्यूम इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन. यदि हम एक्सपेंशन ऑफ गैस को समझना चाहें तो इन वैक्यूम PEX इज इक्वल टू जीरो होता है. नो वर्क इज डन ड्यूरिंग अ फ्री एक्सपेंशन ऑन एन आइडल गैस व्हाटएवर द प्रोसेस इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल. यदि हम आइडल गैस
की बारे में बात करें, फ्री एक्सपेंशन के अंदर तो कोई भी कार्य नहीं होता है और ये जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों ही तरीके का हो सकता है। वी नो दैट द W इज इक्वल टू माइनस PEX डेल V, वी सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन ऑफ द एरिया ऑफ पिस्टन एंड द इंटरोगेशंस एंड देयर फॉर द इंटरनल एनर्जी डेल U इज इक्वल टू Q माइनस PEX इज अ मल्टीप्लाई बाई डेल V, therefore डेल U इज इक्वल टू QV. QV denotes that heat is supplied at a constant volume. Now, isothermal and free expansion of ideal gas. For isothermal, when T is constant, the expansion of an ideal gas into vacuum W is equal to 0. So, PEX is equal to 0. Joule determined the experimentally that Q is equal to 0, therefore del U is equal to 0. जो जूल हैं उन्होंने एक्सपेरिमेंटली शो किया कि जो डेल क्यू जो क्यू की वैल्यू यदि 0 होती है तो डेल यू की वैल्यू जो है वो भी 0 ही होगी। सो डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस W. डेल यू होता क्या है, क्यू और जो W है उसका एडिशन होता है। एंड वी कैन एक्सप्रेस फॉर आइसोथर्मल इ रिवर्सिबल एंड द रिवर्सिबल चेंजेस एज फॉलो। फॉर आइसोथर्मल इ रिवर्सिबल चेंजेस क्यू इज इक्वल टू माइनस W इज इक्वल टू PEX VF माइनस VI. सो फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस, यदि हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं तो वहाँ पर जो हमें वैल्यूज़ मिलती हैं वो है 2.303 NRT log VF upon VI. एंड फॉर द एडिबेटिक चेंजेस व्हेन क्यू इज इक्वल टू 0 डेल यू इज इक्वल टू WAD. नाउ एंथैल्पी एंड व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द एंथैल्पी, वी नो दैट द हीट इज एब्सॉर्ब्ड एट अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल to change in the internal energy. So del U is equal to QV. But most of the chemical reactions are carried out not at constant volume but in flask or test tube under constant atmospheric pressure. We may write equation this as del U is equal to QP minus P del V. At a constant pressure where QP is heat absorbed by the system. यहाँ पे जो QP है वो हीट है जो कि सिस्टम के द्वारा एब्सॉर्ब की गई है. एंड माइनस पी डेल वी इज रिप्रेजेंट द एक्सपेंशन वर्क डन बाय द सिस्टम. सो एंथैल्पी क्या होता है बेटा कि कोई भी जो सिस्टम है हीट एब्जॉर्ब्ड एट अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन द इंटरनल एनर्जी. तो यहाँ पर जो डेल यू है उसकी वैल्यू क्या होगी, क्यू वी. बट मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन आर कैरिड आउट नॉट अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. बहुत सारी जो केमिकल रिएक्शन होती हैं उनके अंदर जो वॉल्यूम होता है वो कॉन्स्टेंट नहीं होता, बट इन अ फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब अंडर द कॉन्स्टेंट एटमोसफिक प्रेशर. लेकिन फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब के अंदर यदि हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहाँ पर जो वॉल्यूम है जो एटमोसफिक प्रेशर है उसे हम कॉन्स्टेंट ले सकते हैं. सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर आई विल बी एक्सप्लेन टू यू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. Thank you very much, class.